गाइज आप लोग भी जानते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 चल रहा है और लोगों के सर ओलंपिक का जोश पूरे सर चढ़कर बोल रहा है। गाइज भारतीय पुरुष हॉकी टीम और भारतीय महिला हॉकी टीम अपना प्रदर्शन दिखा चुकी है। गाइज भारतीय पुरुष टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया, जबकि भारतीय महिला टीम ग्रेट ब्रिटेन के हाथों 3-4 से हारने के बाद वह पदक से चूक गई। पर गाइज लोगों की प्रतिक्रियाएं और लोगों के कमेंट आने के बाद सभी ने बताया कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम और भारतीय महिला हॉकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और आने वाले टाइम में वो इससे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगी। तो गाइज इसी बात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जो लोगों के कमेंट और प्रतिक्रियाएं आ रही थी, उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को, जो कि पहले किसी भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो कि भारतीय खिलाड़ी होता था उसको दिया जाता था, उसका नाम बदलकर अब चेंज करने का निर्णय लिया है और गाइज ये चेंज भी कर दिया गया है। गाइज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि यह फैसला उनका अकेले का नहीं है और यह पूरे देश का फैसला है, क्योंकि उनके पास कमेंट और प्रतिक्रियाएं आ रही थी। गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। गाइज अब खेल रत्न को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। तो गाइज आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं।